हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 22 जून 2021 की मार्केट अपडेट हम लेकर आए हैं, तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही ग्रीन टेरिटरी में बंद हुए, लेकिन एक नॉर्मल क्लोजिंग हमने देखी। जैसे कि हमने सुबह था, निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ और लगभग 15,900 की रेंज के आसपास कहीं गया, और वहाँ से हमने देखा ओवर द डे निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिली और कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के जो लेवल थे देखे हमने कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में या जो स्टॉक सुबह बहुत अच्छे ऊपर थे उनमें कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। अगर आज के टॉप 5 गेनर्स की बात करें तो आज मारुति सुजुकी में बहुत अच्छा एक काम हुआ, लगभग 5% से ऊपर की तेज़ी बनी। UPL जो हमारी फर्टिलाइज़र की कंपनी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसमें भी हमने देखा एक अच्छा काम हुआ, और जो थोड़ी एक नीचे की तरफ रहा था पिछले कुछ एक दो दिन में तो वो वापस ऊपर आ गया। साथ में सीमेंट्स की हम बात करते हुए आ ही रहे हैं कि सीमेंट्स में हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा भी है, काम हो सकता है। श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक, इंडिया सीमेंट्स, श्री दिग्विजय सीमेंट, ऐसे बहुत सारे सीमेंट के स्टॉक्स हैं, और हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी रेगुलरली ये सीमेंट के और बाकी जो स्टॉक्स के चार्ट डालते रहते हैं जिनमें ब्रेकआउट आने वाला है। आज के टॉप 5 लूजर्स की हम बात करें तो एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, HUL, कोटक महिंद्रा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि दो कंपनी हमारी FMCG सेक्टर की है, और जो हमने लास्ट ईयर एक इसमें रैली देखी थी जब लॉकडाउन लगा था तब HUL थोड़ा चला था, नेस्ले चला था, उसके बाद से हमने देखा कि लगभग एक साल से हो गया है और जो हमारे ये FMCG के स्टॉक्स है इसमें कुछ खास काम नहीं हुआ है। अगर हम आज के निफ्टी के चार्ट की बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक रेड कैंडल बनी है, और सेम ऐसी कैंडल अभी से 3 ट्रेडिंग डे पहले भी बनी थी, एग्जैक्टली सेम बनी है। आज हम कहीं ऊपर सुबह ओपन हुए थे गैप अप ओपनिंग के साथ, फिर थोड़ा और ऊपर गए और बाद में नीचे आते गए, और एक 15,700 के आसपास जो हमारी 750 के आसपास की रेंज है वहाँ के कहीं क्लोजिंग दी। और जैसे कि हम बात करते हुए आ रहे हैं यहाँ से लगभग कि अभी हमें इस वाले लेवल पे कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाना है, और अभी वो सपोर्ट बना नहीं है। उसके बाद हमने देखा कहीं ना कहीं ये एक, अगर हम इसको एक अभी तक का हाईएस्ट पॉइंट माने और ये दोबारा आज वहाँ पे टच होके वापस नीचे आ गया, तो कहीं ना कहीं एक जो माइंड है लोगों का जो मार्केट में काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, चार्ट के ऊपर दिख रहा हो कि डबल टॉप बन रहा है, लेकिन उसके लिए अभी ये वाले जो लेवल हैं, ये वाली जो कैंडल है इसको कट करके नीचे काम करना और वहीं पर क्लोजिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके कन्फर्मेशन इस चीज़ की होगी। और जब तक हम इसके नीचे आएंगे तो ऑब्वियसली हम इस लेवल के आसपास आ ही जाएंगे जहाँ पे हम बात करते आ रहे हैं कि इस लेवल पे हमें कहीं ना कहीं जो 15,300 से 400 की रेंज का लेवल है यहाँ पे कहीं काम करना है, तो हम इस रेंज में आ जाएंगे। तो जो कि ये वाली जो एक रेंज है हमारी 15,300 से 400 वाली, इसमें भी आके हमें काम करना ज़रूरी है, उसके बाद एक अच्छा एक बेस बन जाएगा निफ्टी के लिए कि वो बहुत अच्छी आगे की रैली के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो जैसे कि हमने एक ऊपर की तरफ एक ये जो लाइन आज लगाई है 15,900 के आसपास की, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी एक लगभग एक राउंड टाइप का बना था, और यहाँ पे भी हमने देखा एक गैप अप ओपनिंग हुई, थोड़ा ऊपर गए और वापस नीचे की तरफ आ गए। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा चार्ट पे क्रिएशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि डबल टॉप ही बन गया हो, लेकिन एक जो कॉशियस रह के काम करने वाले मूवमेंट है वो चल रहे हैं मार्केट में, और जो निफ्टी है उसका इंडिविजुअल स्टॉक से रिलेशन डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन जो एक मतलब नॉर्मल हम लोगों की बात करें तो उनके लिए निफ्टी ही एक नंबर है, और वो निफ्टी को ही देख के अपनी बाइंग और सेलिंग डिसाइड करते हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स अपना चलते रहेंगे, जिन स्टॉक्स का टाइम हो चुका है वो चलने वाले हैं और वो चलते रहेंगे, उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है 2-4 दिन नीचे आ जाएँ या 5-10 दिन तक ना चले वो एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका टाइम हो चुका है वो अपने स्टॉक्स अपने टाइम के हिसाब से चलते रहेंगे। आज की हमारी कंपनी एक जो हम लेकर आए गुजरात एल्कलीज है, एक केमिकल की कंपनी है, गुजरात में है, और एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि हमारा सोडियम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं जो केमिकल है वो बनाती है, साथ में कास्टिक सोडा बनाती है, और ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है कास्टिक सोडा की। अगर हम गुजरात एल्कली के चार्ट की बात करें, ये 2 घंटे का हमारा चार्ट है, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं लगभग जो ये हमारा अप्रैल 15-16 के आसपास एक वॉल्यूम आई थी उसके बाद हम कहीं ऊपर गए, और तब से लेके अभी तक एक रेंज में काम कर रहे हैं।
और जो जिस रेंज में इसको काम करना था उस रेंज का जो टाइम पीरियड है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। और आप इस चार्ट पे देखेंगे कि हमने तीन लाइन ड्रॉ करी है, नीचे की तरफ 395, ऊपर 451 और फिर 519। तो अगर हम यहाँ से अपना रिस्क रिवॉर्ड अगर देखें तो लगभग 12 रुपये हमारा नीचे है और ऊपर की तरफ हमारा लगभग लगभग 44 रुपीज़। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो लगभग 1:3.6 के आसपास हमारा रिस्क रिवॉर्ड है सबसे पहले लेवल का। और अगर हम दूसरे वाला लेवल देखें जो कि यहाँ से लगभग 112 रुपये हमारा ऊपर है और नीचे की तरफ हमारा 12 था, तो 1:10 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड बन जाता है। अगर हम टाइम की बात करें, अब पहले परसेंटेज की बात करते हैं, तो जैसे कि अगर यहाँ से हम देखें पहला लेवल लगभग हमारा 10% ऊपर है और जो हमारा दूसरा लेवल है वो लगभग हमारा यहाँ से 30% ऊपर है। तो अगर हम बात करें हम कितने दिन में यहाँ तक आ पाएंगे, तो 10% की जो रैली है वो हो सकता है आगे आने वाले हमारे 15 से 20 दिन के अंदर आ जाए। ब्रेकआउट आने के बाद 451 का लेवल बहुत जल्दी आ जाएगा, हो सकता है अगले 2-3 दिन में ही आ जाए ब्रेकआउट के, लेकिन ब्रेकआउट आने तक जो है आपको थोड़ा इसमें सब्र रखना पड़ेगा। आप उससे ब्रेकआउट को भी आप अगर मतलब कंज्यूम करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए और उनसे कि यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो अगर आप इस लेवल पे पोजीशन बनाएंगे तो जो 30% की रिटर्न है हो सकता है आपको आगे आने वाले 50 से 55 दिनों के अंदर देखने को मिल जाए। आज की दूसरी कंपनी की हम बात करें तो कैडिला हेल्थ केयर है, फार्मास्यूटिकल की कंपनी है और जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं API फॉर्मुलेशन जो होते हैं उसके ऊपर ये कंपनी काम करती है। और कंपनी के बहुत अच्छे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हैं और साथ में जो कंपनी के मेजर तीन सेगमेंट है आपको बताइए, ह्यूमन, कंज्यूमर वेलफेयर और एनिमल हेल्थ केयर। एनिमल हेल्थ केयर वाला जो पोर्शन है उसमें अभी रिसेंटली बहुत अच्छी जो इन्वेस्टमेंट है वो ये है, कुछ तो राकेश झुंझुनवाला जी की तरफ से भी हुई है। तो जो आगे फर्दर है कि उनका कहना है कि जैसे जैसे इकनॉमी बढ़ती है, लोगों के पास पैसा आता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, तो वैसे वैसे प्रोटीन कंजम्पशन जो है वो ह्यूमंस की बढ़ती है। तो जो हमारा पोल्ट्री फॉर्म है या जो हमारे डेयरी फॉर्म्स हैं उसमें जो गायें हमारे पास है या जो मुर्गी पालन करते हैं उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं दूध है अंडा है वो प्रोटीन जो हाई सोर्स होते हैं उनके। तो जैसे जैसे इनकम ह्यूमंस की बढ़ती रहेगी तो उनका प्रोटीन इनटेक भी बढ़ता रहेगा। तो जो पोल्ट्री फॉर्म और जो डेयरी फॉर्म में जो हम पालन करते हैं हमारे गायें भैंस मुर्गी का, उनके नंबर में इजाफा होगा और साथ में जब वो उनका नंबर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उनके हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो उनकी दवाइयां हैं और उनकी डिमांड भी मार्केट में बढ़ेगी। तो ये सोच के उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। अगर हम कैडिला के चार्ट की बात करें तो 1 घंटे का चार्ट हम लेकर आए, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कंपनी कहीं ऊपर गई थी वापस नीचे आई, फिर ऊपर गई वापस, 2 बारी इस लेवल पे रेजिस्टेंस ली और अभी वापस एक नीचे इस लेवल पे आई। तो एक 2 रेंज के बीच में काम कर रही है, ऊपर 669 और नीचे 603 के आसपास। तो अभी हमने यहाँ पे 3 लेवल अपने लगाए हैं, नीचे की तरफ 603, ऊपर 669 और 714 रुपये। तो नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो 26 रुपये का एक लेवल है और ऊपर की तरफ हम बात करें तो लगभग 40 रुपये। तो 1:1.5 के आसपास का इसमें रिस्क रिवॉर्ड है। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 8% के आसपास इसमें हमें रिटर्न आगे आने वाले 15 दिन के अंदर दिख सकते हैं। तो अगर किसी को 15 दिन में 7 से 8% की रिटर्न चाहिए 1:1.5 में तो कैडिला एक अच्छा बेट हो सकती है। अगर हम सेकंड जो लेवल है इसके उसकी बात करें जो कि 714 रुपये का है, जो कि लगभग यहाँ से 85 रुपये ऊपर है और 14% के आसपास की उसमें ऊपर है। तो जो 14% है वो हो सकता है अगर हम जब 669 को यहाँ से काटे तो हो सकता है उसके आगे आने वाले एक हफ्ते के अंदर हम 714 रुपये के आसपास हों। तो लगभग जो ये 14% की रैली है वो एक्सपेक्टेड है कि 25 से 35 दिन के अंदर आ सकती है। और इसका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा नीचे की तरफ जिसकी 26 रुपये और ऊपर जो हमारा 80+ है, तो लगभग मोटा मोटा 1:3.5 के आसपास का हमारा रिस्क रिवॉर्ड होगा। तो अगर किसी को 35 डेज के अंदर लगभग 14% के आसपास का काम करना है 1:3.5 में तो उसके लिए कैडिला एक अच्छा बेट हो सकता है। आपको कोई भी बाइंग या कोई भी सेलिंग जो करनी है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से करनी है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, यहाँ पे किसी तरीके की आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है बाइंग या सेलिंग की। ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस से है। आप इस वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जब आप डिस्कस करें। यहाँ पे हम आपको किसी तरीके की बाइंग एंड सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देते।
आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।